एपेंडर्मल सेल्स कोई भी ट्यूमर क्यों पैदा होगा? इसलिए क्योंकि वहां पे फंक्शनिंग को एनहेंस करना, व्हाई, जैसे डॉक्टर कमल ने बताया, व्हाई अवर थाइस गॉट एनलार्ज, रीजन इज फैमिली, रीजन इज परफॉर्मेंस. लेकिन उस परफॉर्मेंस को मैं कैसे पाऊं विद मोर मसल्स ना, विद मोर मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स. ऐसे ही मेरे पास सेल होंगे तो मैं और प्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, इसी तर्ज के ऊपर हमारी बॉडी कहीं भी टिश्यू को बढ़ावा दे रही है. बेस्ड ऑन द रॉन्ग अजम्पशन दैट एपिडर्मल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लियल सेल्स, कॉन्ट्रोवर्शियल मेडिसिन मीन्स एलोपैथिक क्लेम दैट एन एपिडर्मा इज अ टाइप ऑफ ग्लायोमा, आल्सो टर्म्ड कोरॉइड ग्लायोमा. इन रियलिटी एपिडर्मल सेल्स आर डिसेंडेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंडेंट ऑफ इंटेस्टाइनल मेकोजा एंड देयरफॉर एंडोडर्मल ओरिजिन, फर्स्ट ब्रेन ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन, कोरॉइड सक्रीशन का पार्ट जो है ये फर्स्ट ब्रेन ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन, वाइल न्यूरोगिलिया ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यू मेसोडर्म. ये फाड़ना हमें कौन से टिश्यू का कहां से एवोल्यूशन हुआ, तो एपेंडर्मल सेल का हुआ इंटेस्टाइनल टिश्यू से. इंटेस्टाइनल टिश्यू जैसे काम करता है वैसे ये काम करता है. इंटेस्टाइनल टिश्यू हमारा गोबलेट सेल के साथ सक्रीशन देता है और हमें लूज मोशन लगते हैं. तो ऐसा इसका भी कुछ ऐसे काम, सक्रीशन देता है, पानी इकट्ठा करता है. नेक्स्ट, तो नाउ ये हमने एपेंडर्मा को समझा, अब हम इस केस पे चलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ लंबोसैक्रल मेक्सोपैपिलरी एपेंडर्मा डायग्नोस्ड ऑन 2010-12 का केस. नेक्स्ट, मेरे पास आया है 16 में, डॉक्टर विशाल 16 अक्टूबर, इज मेमोरी इज वेरी गुड, अक्टूबर 2015. सो नमनेस ऑफ लेग्स विद फील फीट लेफ्ट मोर देन राइट, नमनेस ऑफ लेग्स विद फीट, ये हमारे चीफ कंप्लेंट्स है. नमनेस ऑफ ऑपरेटेड एरिया एलस स्पाइन, इलेक्ट्रिक पेन इन द बैक एंड द लोअर लिम्स, इनवॉलंटरी स्टूल ड्यू टू नमनेस ऑफ द बैक, कॉमन सिम्टम है ऑपरेशन के बाद के. इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, स्वेलिंग ऑफ फीट ऑन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, ये हमारे पास जो चीफ कंप्लेंट्स आ रही हैं जिनको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता जब तक मैं पैथोलॉजी को उल्टा ना दूं पूरा. नेक्स्ट, ही प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक with quite difficulty to walk, walking with support of the stick, walking with drawing the legs with much effort, very difficulty in sitting and standing. So, this halt mein mere paas aaya aur shared, he was not able to came on the train and Dr. Vishal had came with him on his car to keep him to me. Aise aise hi aise bethe. To is halt mein wo aaya, stick ke saath thoda chal raha hai. Next bit. अभी उसकी हिस्ट्री जो मेरे सामने, द ईयर 2005 फॉल फ्रॉम हाइट विद अनसेटल्ड लेग्स, पैड पैड समझते ना, ऊंची हाइट पे बांधी रहती, वहां पे खड़ा था, नीचे गिरा. पेन इन एलएस स्पाइन सिंस, वाज ऑन पेन किलर्स. इन 2011 पेन इंक्रीज एंड एमआरआई वाज डन इनफिल्ट्रेटिंग लीजन विद इन द थीका sac extending from conus to S1 level, it is scalloping the posterior margin of L5, lesion is displacing the cauda equina nerve root. तो मेरे पास ये है कि इसकी lower spine में tumor है और इसकी टांगे move नहीं कर रही, ये मैंने उसको perceive कर लिया सिर्फ. Next, back pain was reduced but not fully after surgery. And not fully, back pain तो गया लेकिन पूरा नहीं गया. And incontinence of urine followed since. After few days, pain again appeared in lower limbs. Again in 29/9/14, laminectomy and excision of the tumor. दोनों काम फिर किए. दूसरा ऑपरेशन. Initial amelioration again followed by more intense symptoms. MRI 6/10/14, residual tumor with all the present illness. जो हमारे पास आया, residual tumor. बाद में क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली फेस किए मैंने ऐसे केस, अक्सर जब आता है केस सर्जन के पास तो डरा धमका के उसको
फटाफट सर्जरी करते हैं उस पर, स्पेशली ऑल दिस ट्यूमर्स। और अगर वो सेकंड या थर्ड ग्रेड ग्लायोमा है, रिअकर कर गया, देन दे विल से हमने तो पूरा निकाला था, थोड़ा रूट्स रह गई होंगी इसलिए दोबारा से फिर उठ गया। लेकिन अगर पूरा भी निकाल ले, वी नो अनटिल द अनलेस प्रोसेस इज गोइंग देयर इट हैज टू रिअकर। जो वजह वो पड़ी है तो क्यों नहीं पैदा करेगी उसको, जब तक जान है पैदा करती रहेगी बॉडी, जब जान नहीं रहेगी तो जान जाएगी, ट्यूमर चाहे वैसे रहे। नेक्स्ट, पास्ट हिस्ट्री, ग्रेव डिजीज 15 ईयर बैक, अपेंडेक्टोमी ऑपरेटेड, रीनल स्टोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है बस लिख लिया छोड़ दिया, रीनल स्टोन्स, टाइफाइड इन चाइल्डहुड, इंजरी ऑन द राइट टेस्टिकल, कंजेनिटल क्लोज ऑडिटरी मीटिस राइट, ये तो माता की इंट्रा यूटरिन लाइफ से ही ऐसा आया, कान बंद है। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू अ शॉर्ट हिस्ट्री, बिलोंगिंग टू अ बिलो मिडिल क्लास, रिमेन्ड एवरेज इन स्टडी, इनक्विजिटिव, मोर इनक्लाइंड टू आर्टिस्टिक थिंग्स, ओबीडिएंट, डूइंग वेरी एवरी वर्क विद एवरी with very interest, father used to scold him for little reasons and never appreciated. After 10 plus 2 non-medical, supplementary and BSc first left it and completed ITI in AC and refrigeration. In 1993-94, not get job, ITIT kya job nahi mila. Feels very helpless and discontented with, father had not supported him for any work or job except criticism. I used to work hard, joined a factory at that time. Everybody used to appreciate my work, used to get very much value, but pay was less, wanting good job and status. In 2000, he got married and there was not good relationship with the wife also. Used to fight, then in-laws blamed him for harassment of their daughter. Felt very helpless and grieved. Maine bola tha, law of attraction jaisa hai, वैसा ही पार्टनर मिलने वाला है। और आपकी जिंदगी अगर वैसी बनी हुई है पहले, ये उस दुख से बाहर नहीं आने वाली, ये आपकी जिंदगी को बच्चों से फेस होगा। व्हाट द लिटरेचर वी हैड अंडरस्टूड सेज, दिस होल क्रिएशन अराउंड यू, योर फैमिली, योर चिल्ड्रंस, योर फादर, योर मदर आर बेसिकली योर एक्सटेंशंस ऑफ योर एनर्जी। तो आपने ऐसा पैदा किया किस लिए किया, जैसे मैंने सुबह बोला आबेल मुझे मार, इसलिए उस डर से निकले नहीं, उस दुख से निकले नहीं। फॉर एग्जांपल, हम बहुत शिद्दत से सुनते हैं जगजीत को, चित्रा सिंह को, तो चित्रा सिंह कैसी दिखती है, लॉन्ग, टाल, थिन, वेरी फाइन फीचर्ड, आर्टिस्टिक, कैसी दिखती है, कैसी लाइफ हिस्ट्री है, माइजरेबल ना, दुख से शुरू हुआ जीवन, आज तक दुखी है। जगजीत सिंह जी भी चले गए, ये अंदर कहीं पनप रहा है बहुत डीप ग्रीफ, और सेल्स को ये आदत हो जाती है उसको ना छोड़ने की, उसको पीने की, उसको सहलाने की। मेरे पास, मैं पहले भी कोट करता हूँ, एक बंदा आया करता था फरीदकोट से, बोलता था डॉक्टर साहब मैं सोचता हूँ कोई मेरे पे दया करे, मैं सोचता हूं कोई मेरे पे दया करे, व्हाट इज दिस पिटी, सेल्फ पिटी, मेरे पे को दया, अरे क्यों तेरे पे दया करे। अब समझाने जाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, ये डिल्यूजन से निकालना पड़ेगा उसको, क्यों तेरे अच्छे भले पे क्यों दया करे, तेरे पास हाथ पैर हाथ पांव नहीं है। दिस इज फॉल्स परसेप्शन, दिस इज एडिक्शन ऑफ योर सेल्फ टू लिव लाइक जैसे वो रह रहे हैं, उनको रहने की वैसे आदत हो गई, वो उस वैसा हार्डवेयर हो चुका उस डिफेंस में, उसको वो करना अच्छा लगता है, उसको उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जीना अच्छा लगता है, उसने उस चीज को क्लिंग कर लिया, वो उसके लिए सपोर्ट बन गई। जैसे मैंने सुबह बोला दो टू ट्रैक्स आर देयर, अगर आपने अच्छा पकड़ लिया तो आपने सारी उम्र मैंने अच्छा किया, बुरे वाले का तो बोल ही नहीं सकता, सारी उम्र मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ, अरे जो अच्छा किया डर से कर रहा है, प्योरिटी से नहीं कर रहा, प्यार से नहीं कर रहा, प्यार से कर फिर नहीं होने वाला। आत्मा कंप्लीट होकर अगर ये काम करेगी तो यू विल नॉट फील ग्रीव्ड, यू विल नॉट फील डिटैच्ड, यू विल नॉट फील अलोन, कुछ भी नहीं फील होगा। सो वाइफ भी वैसे मिली, बाप भी वैसा ही था,
इसलिए राइट मीटस बंद है, समझे बात, इसलिए राइट मीटस बंद है। नेक्स्ट, एवरीवेयर आई फाइंड फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेस, देर वॉज नो सपोर्ट टू मी इन दिस स्ट्रगल, आई प्लान टू मूव दुबई, दुबई चले गए। फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, सुबह हमने स्केल देखा कहां पे है ये, बिल्कुल बॉटम, बिल्कुल नीचे। एट दुबई ड्यूरिंग एसी रिपेयर गॉट इंजर्ड, देन रिटर्न टू इंडिया एंड अंडरवेंट सर्जरी, आफ्टर सर्जरी वाइफ हैड कमेंटेड हिम, इफ आई वॉज नॉट देयर हु विल टेक केयर ऑफ यू, इफ यू हैड सर्जरी एट दुबई देन यू लेट नो माई वैल्यू, ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट। वाइफ को अपनी वैल्यू चाहिए, उसको अपनी पड़ी, फरीदा लोगों को अपनी, मैनू अपनी पई। बहुत प्यारा श्लोक है बाबा फरीद जी का, बोलते जो तय मारन मुखियां, फरीदा जो तय मारन मुखियां तिना न मारे घुम। बाबा फरीद जी की अवस्था देखिए आप कैसी है, मैं सोचता रहता हूं इतने ऊंचे, तिना न मारे घुम आप नड़े कर जाए के पैर तिना दे चुम, जिन्हें तेनों तफे दिते जिन्हें तेनों मारिया उदे पैर चुम, क्योंकि वो तो बेअकल है, उसको मालूम नहीं है। ऐसे आपने सिद्ध जी की कहानी सुनी होगी, बुद्धा जी की, सॉरी महात्मा बुद्ध की, ये आचार्य रजनीश ने भी बताई है और हमारे मस्कीन साहब ने भी वर्णन किया इसका, कि एक बार वो जा रहे थे कहीं, अब सोरे पे कैसे देखना आप कैसे देखते हैं, तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक आदमखोर इंसान रहता है, गुरु नानक ने भी पकड़ा था जिसने उनको कड़ाहे में डालने की कोशिश की, कौडा राक्षस था, गुरु नानक ने उसको सीधा किया। तो भाई अपने महात्मा बुद्ध जा रहे हैं तो पता चला कि ऐसे आदमखोर रहता है, उसके पास कोई नहीं जाता, जो उसके पास जाता उसको काट के खा लेता वो। तो बहुत दूर उजाड़ में है, महात्मा बुद्ध चल पड़े उधर, लोग रोक रहे वो रुक नहीं रहे, तो उसने देखा दूर से भी आ रहा है कोई फकीर आदमी, तो उसने आवाज दिया कि मेरे पास मत आ, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। वो चलते गए, फिर बोला नहीं रुका तो मारने के लिए आया, बोलते एक मिनट रुक, तेरे को मेरे को मार तो देना ही है, एक सेकंड रुक। रुका, बोलता हूँ सामने पेड़ है उसकी एक टहनी काट के लेके आया, लेके आया, अब बोलता जाके उसको लगा, वो हिल गया इतने से, लगा पाएगा नहीं, तो फिर क्यों उनको काट रहा है जिनको तू जोड़ नहीं सकता। तो वो मुरीद बनके उनका शिष्य हुआ, और बाद में जब उसकी हिस्ट्री निकली, जो उसका सोरा निकला वो क्या निकला, उसको कहीं निकाला गया था आश्रम से इल्जाम लगा के, तूने चोरी की है, हैं चोरी की है तो इन लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाया, अब मैं देखूंगा। यहां से वो आदमखोर बना, देखिए कितनी हेटेडनेस है, अवर्जन टू मैनकाइंड में गया पूरा। सोरा क्या था, व्हेन यू सी एनीथिंग अंडर द कर्टन यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो आपको तरस आएगा, बाबा फरीद जी इधर है कि इसको दिखता नहीं है, ये अंधा है, अगर मैंने इसको साफ दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। तो इतनी ऊंची अवस्था, और हमारा ये डायरेक्शन है जाने का, शायद हम इस युग में पहुंचे। तो आफ्टर सर्जरी वाइफ हैड, ये भी हो गया, चलो नो आई एम सिटिंग एट होम सिंस वन ईयर, वाइफ इज विद मी बट नो सपोर्ट इज देयर, आई अर्निंग बिट ब्रेड एंड बटर बाय ड्राइंग एंड पेंटिंग मेकिंग मॉडल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आर ऑल्सो सेपरेटेड ड्यू टू द वाइफ्स नेचर, पेरेंट्स से भी अकेला है, वाइफ से भी अकेला है, वाइफ कहती है मेरे को नहीं पूछता, वो बोलता है मेरे को नहीं पूछता, ऐसे जिंदगी कन्फ्रंटेशन में चल रही है, जिसका एक स्टेशन ट्यूब बचपन से बंद है ऐसा बंदा। नेक्स्ट, लेट अस सी इनटू रेसिप्रोकेशन फ्रॉम पैथोलॉजी टू फिजियोलॉजी टू डायनामिक्स ऑफ अमनदीप सिंह, व्हाट आर द ऑर्गन्स अफेक्टेड, एनालाइज किया हुआ मैंने, व्हाट आर द ऑर्गन्स अफेक्टेड, बैक टू लोअर लिम, आगे व्हाट लोअर बैक एलएस रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगला क्वेश्चन खुद खुद को करते जाओ, आंसर देते जाओ,
Devaluation, a person can't able to defend himself. Lower back is, bones are to be devaluated. Lower back is, cannot able to be stand for himself. Right? Stand for himself. Legs, performance physical, not able to move forward and dragging behind. Humne appendectomy nahi dekha. Humne ye dekha. What is the effect? If you had a brain tumor, if you had a clots in the brain, if you had a hemorrhage in the brain, not go on those direct, you can say entry, I can say, but on the effect of those tumors, hemorrhages and all the pathology behind, ki system ko kaise affect kar rahi hai, wahan pe jana humne. To humne paya lower back responsible for devaluation and performance. To hum dekhen uski performance sahi ja rahi hai, kya wo zindagi mein devaluate nahi kar raha hai ki nahi. Ab sirf humne inko incorporate karna jo humne suna, jo humne dekha. Next, what type of life is living? Helpless, miserable, grieved, discontented and sad, right? What has his reaction to all? Resentment to everybody. Sabhi ke saath, sabhi ne mere saath aisa kiya. Baap ne mere saath aisa kiya, wife ne mere saath aisa kiya, bachon ka tabhi bataya nahi. Mere saath aisa hua, aisa hua, aisa hua. Not valued by wife, father and others. What he was demanding? What he was demanding? Care. To maine ek Ludhiana mein kiya tha humne. Normal cell. Sensitive cell, sensitized cell, highly sensitized cell, defending cell, destroyed cell, dynamics to structure, sensitive, normal cell with normal needs and normal functions, normal cell. So normal function ki jo need hai, wo kya puri nahi hui, aise dekho, kya puri nahi hui, ki ye sensitized hua, hypersensitive hua, feel kiya, react kiya, defend kiya, structure loss kiya, aise. ये पूरा कंप्लीट केस हमारा ऐसे बनता है. तो what he was demanding? Care. Next. What he was feeling? Uncared. उससे उल्टा. Blocked right ear tube. अब हम जा रहे हैं पीछे पर्सनल हिस्ट्री में. Not want to hear what? माँ की कोख से क्या सुनना नहीं चाहता. माँ ने जो सुना वही सुनना नहीं चाहता. माँ ने क्या सुना, इट मींस के फादर तो कंफर्म्ड क्रिटिकल है. माँ ने नहीं सुना, वो भी नहीं सुनना चाहता. सो सुनना नहीं चाहता, मूव नहीं करना चाहता, डिफेंड नहीं कर पाया, केयर चाहिए. ये हम कंक्लूड कर चुके. नॉट वॉन्ट टू हियर वट, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, यू हैव डन दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट. की करदा, क्यों नहीं करदा, क्यों करदा, क्यों नहीं कीता. ठीक, कितने क्वेश्चन. नेक्स्ट, ग्रेव डिजीज, ह्यूमिलेशन. ग्रेव डिजीज, ह्यूमिलेशन. ह्यूमिलेशन है केस में. टाइफाइड, सप्रेस्ड एंगर. अपेंडेक्टोमी, फियर ऑफ लाइफ ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ गुड. दिस इज अगेन एंगर, ब्लॉक्ड एंगर. इंजरी ऑन द राइट टेस्टिकल, फादर पार्टनर रिलेटेड एंगर. राइट, पूरा कंप्लीट हो रहा है. आगे जाइए. ये हमने कैलकुलेट किया, डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लो फीलिंग व्हाइल ही फील्स ही इज. डॉक्टर कमल ने कराया, मैं तो इतना वैल्यूएबल हूं, मेरे को इतना जानते हैं. डिल्यूजन क्रिटिसाइज ही इज कान दो. व्हाट्स द नीड जर्मेनियम. नेक्स्ट, जर्मेनियम 200 थाइसिस को दिया हमने 15 एंड जर्मेनी वनम 4-1 को 16 को दिया. स्प्लिट डोज दिया 7 डे 15 डे. डॉक्टर विशाल नोज बेटर. अब तो अक्यूट में हमने ऐसे निकाला. नेक्स्ट, नो ही इज बैक टू दुबई. कितनी देर के बाद बेटे, कितनी देर बाद उन्होंने लिफ्ट काम करना शुरू करता सी. विद इन 6 मंथ ही स्टार्ट वर्किंग इन लिफ्ट as a lift operator and now he is working on his job, back to job on the number. Click karo this. Click kar. Ho gaya. Dusra kar parallel dono hi ho jayega.
इज ए एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, स्पोर्ट कहाँ गई, चल रहा है, काम कर रहा है, और लेकिन अभी भी कंप्लेंट कर रहा है, क्या मेरे से मैसेज आया, मेरे से गिले फर्श पे चला नहीं जाता। अरे भाई शुक्र कर, स्टिक छूट गई, काम पे चले गया, कमाई करने लगा। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, क्रिटिसिज्म दैट यू आर फीलिंग यू आर डूइंग विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड यू आर वेरी क्रिटिकल टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो। तो ही इज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट स्लाइड बेटे, और दो वीडियो हो रहे हैं। Within how much time he is back on his duty on Dubai? नहीं, आपने दवाई तो बाद, within 1.5 year he is on back to duty और अपनी कमाई करने लगा। तो ये है हमारा जर्मेनियम का कमाल, बट विद परसेप्शन हमने कैसे पैथोलॉजी से उठाना। तो बंद करें, आप छुट्टी करेंगे? नो, हम लोग थक गए सुबह से बोलते बोलते। विल कंटिन्यू नेक्स्ट केस एनिवेल्स, वो भी बहुत अच्छा है। एक बार शक्ल दिखा देते, पहले शायद देखा होगा। पूजा, ये पहला उसका कॉर्ड प्लेक्सस पैपिलोडिमा एंडोमा, दिस वाज इन ब्रेन एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम बैक। कट दो, प्ले कर देने ऊपर। इस स्टेट में आई थी, ये मैं बैठा हूं, देखो। ये हमारा इमरजेंसी रूम है, जो लोग नहीं चल के आ सकते मेरे को जाना पड़ता उनके लिए। तो लास्ट में नेक्स्ट ले लो, एक और की हाल चाल तुम्हारा। ये अभी शायद जैसे आया था, जो भी था आवाज काम कर, सारा आप कर लेते नहीं काम। की हाल चाल तुम्हारा जो आए सी उदो और भी था बहुत ठीक है, काम कर सारा आप कर लें। कितने जा के आए तुसी? पिछे ब्यास है। ब्यास जा के? कितनी देर बाद कल्ले जा के आए? कल्ले में 5 साल। 5 साल? 5 साल के बाद ब्यास जा के आए। नाम जपते हो? He was not able to। आपने देखा क्या हाल? और मदर इनके साथ है, इनकी टेक केयर करने के लिए, और बहुत डिप्रेशन और ग्रीफ की हाल चल। भगवान इनको अच्छी जिंदगी दी। Now she can able to do her own work. So with this, a strong boost of energy of this one day class, my preach. Thank you all of you. And we hope we will carry this energy, क्योंकि we are, मैंने बोला सुबह, we are destined for. मैं, कमल, मेरे भाई गगन, ये सुंदर, अलोक, दविंदर, अरमिंदर, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा, नाम नाम भूल जाएगा है? ये सत्य ही रह जाएगा, ये सत्य पे हम चल रहे हैं, हनीमैन का सत्य। तो थैंक यू हनीमैन, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लेट अस क्लोज दिस सेशन, थैंक यू मच।